नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल लोक लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरा हो रहा है महासंकल्प। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां देखने रविवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने समारोह में मंच प्रस्तुति देने वाले संस्कृति विभाग से संबंध कलाकारों की रिहर्सल भी देखी। सीएम ने मीडिया से बातचीत में महाकाल लोक को अद्भुत बताते हुए कहा कि सब तरफ महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है। अवंतिका उत्साह और उल्लास में डूबी है, एक महासंकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने उज्जैन में आयोजन के लिए सजावट और शिप्रा का भी उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को शाम 6 बजे पूजा और ध्यान करके यहां पधारेंगे और उन्हीं के हाथों महाकाल लोक महाकाल के चरणों में समर्पित होगा और इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पहुंचे वाल्मीकि धाम, कहा शासन अपने खर्च से करवाएगा वाल्मीकि महाकुंभ। समाधि स्थल पर भी शीश नवाया। आने वाले समय में वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन शासन स्तर पर किया जाएगा। शासकीय अभिलेखों में आश्रम का नाम भगवान वाल्मीकि धाम के रूप में ही दर्ज होगा। यही नहीं, अगली बार से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शासकीय स्तर से सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे रविवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेशनाथ महाराज से भेंट की, समाधि स्थल पर पूजा की, साथ ही उन्हें महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, वाल्मीकि महाकुंभ के लिए उपयुक्त स्थान व तिथि का चयन पीठाधीश्वर जी करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी धर्म सभा को संबोधित किया। उमेश नाथ महाराज ने कहा कि लोकार्पण समारोह की चर्चा देश विदेश में होगी। पूर्व वाल्मीकि समाज कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा। संचालन भाजपा नगर महामंत्री सत्यनारायण खोईवाल ने किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी आदि मौजूद थे। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद जया प्रदा ने सपरिवार किए महाकाल दर्शन। राज्यसभा सांसद व अपने जमाने की मशहूर अदाकारा जया प्रदा सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में बाबा की पूजा अर्चना की व पुष्प माला अर्पित की। पंडित रमन गुरु ने पूजा संपन्न करवाई। जया प्रदा ने नंदी महाराज से भी प्रार्थना की व नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि महाकाल लोक पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयाम है। महाकाल लोक निर्माण को लेकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। श्री योगी राज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि स्थल पर शरद उत्सव के अंतर्गत कराया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। श्री योगी राज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि शरदोत्सव एवं विकास समिति द्वारा समाधि स्थल पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई व पूजा आरती संपन्न कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर संत उमेशनाथ ने उपस्थित जन को संबोधित किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए पहुंचे कवियों में फिरोजाबाद के ओमपाल सिंह निडर, राजस्थान के रणजीत राणा, छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मिश्र धड़कन, मध्य प्रदेश से अर्चना अर्चन, नरेंद्र अटल, सत्यन वर्मा, शिवेश सलभ और सूत्रधार नरेंद्र सिंह अकेला का अभिनंदन अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने व अन्य समिति सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधायक पारस जैन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कवियों ने देर रात तक उपस्थित श्रोताओं को गुदगुदाया। क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। अरे बैठी वन में सोच रही थी कब होगी तकदीर की बातें, तब झूठे बेर भी सुन रहे थे शबरी और रघुवीर की बातें। दौरान हाथी निकला चूहों में खलबली मच गई। कोई चूहा इधर भागता था, कोई चूहा उधर भागता था, कोई चूहा इधर कोई उधर। एक चूहा वृक्ष पर चढ़ जाता है और उसी वृक्ष के नीचे हाथी भी खड़ा हो जाता है। कांपते कांपते चूहा हाथी की पीठ पर गिर पड़ता है तो नीचे से सारे चूहे बोलते हैं, दांत दे साले को, दांत दे साले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जैन यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, प्रदेश भर से जुटाए गए संसाधन।
महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल पर एडवांस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहां दो दो बेड के 4 मिनी आईसीयू बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को मौके पर ही आईसीयू की चिकित्सा मिल सके। यह वेंटिलेटर, दवाइयां, कार्डियक केयर मॉनिटर, ऑक्सीजन तथा मेडिकल उपकरण आदि व 50 डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध रहेगी। सभा स्थल पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी ताकि मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर पर रखकर हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। इमरजेंसी सेवाओं को देखते हुए यहां ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता दिया जाएगा। शहर के 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हाई अलर्ट पर रहेंगे और यहां मरीजों के लिए बेड आरक्षित रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईसीयू में भी इंतजाम किए गए हैं। जिला अस्पताल के प्रभारी आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि दूसरे जिलों के स्पेशलिस्ट की टीम बुला ली है। एनेस्थेटिक व आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोफिजिशियन आदि उपलब्ध रहेंगे। महाकाल मंदिर प्रांगण में भी आईसीयू बनाएंगे, वेंटिलेटर भी उपलब्ध रहेंगे। करीब 20 टीम गठित की है जो कि लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से सभा स्थल और वीआईपी तथा आम लोगों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सभी चिकित्सकीय सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। लगभग हमारे पास में 30 एम्बुलेंसेस पूरे उज्जैन संभाग से आई है, जिसमें से 15 तो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस है जिसके अंदर वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर और सभी प्रकार की एडवांस चीज़ें हैं। प्लस 15 हमारे पास में बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली गाड़ियाँ भी आई है। और कार्यक्रम स्थल के अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की वजह से और माननीय सीएम के आने की वजह से हमारे स्वास्थ्य विभाग ने सभी अलग अलग जगह पर टीम तैनात करी है, जो हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जगहें सब तय की गई है। कितने डॉक्टर लगेंगे? हमारे जिले के डॉक्टर्स के अलावा हमने हमारे संभाग के लगभग 70 डॉक्टरों को बुलाया है और कुछ स्टाफ वगैरह भी आया हुआ है और सबकी व्यवस्था भी की गई है और सभी को अभी हमने कार्यक्रम स्थल पर और सबको अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचाया है। वहाँ के SDM सर से भी उन लोगों का कोऑर्डिनेशन हुआ है और अभी लगभग 2 दिनों से हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी सबकी चल रही है। इंदौर रोड स्थित कृष्णा परिसर व कृष्णा एक्सटेंशन के रहवासियों द्वारा माता विसर्जन व भंडारे का आयोजन किया गया। कृष्णा परिसर व एक्सटेंशन के रहवासियों द्वारा नवरात्रि महोत्सव का ये प्रथम वर्ष था। रहवासियों ने माता विसर्जन का भव्य चल समारोह निकाला, जिसमें सभी महिला, पुरुष व बच्चे नाचते गाते माता जी का विसर्जन करने गए। आयोजन में पंडित अभिषेक तिवारी, अवधेश प्रताप कुशवाहा, संजय जोशी, डॉक्टर प्रवीण नागवंशी, राम प्रसाद जाटव, सुदामा बंजारे, नंद किशोर नागवंशी, चलती शर्मा, ममता गौड़, ममता कुशवाहा, निर्मला रघुवंशी ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलग अलग पारिवारिक विवादों में महिला सहित 6 लोगों पर हुए धारदार हथियार से हमले, उपचार के लिए लाया गया जिला चिकित्सालय। कालूखेड़ी निवासी शिवनाथ पिता हरिनाथ के समीप ही परिजन देवनाथ का मकान है। मकान के पास गली है, वहाँ पर देवनाथ, उसके लड़के कैलाश, दिनेश, दिलीप, अर्जुन और उसके जमाई जितेंद्र व बच्चा नाथ आए और राजेश नाथ और शिवनाथ से बोले कि गली का दरवाजा मत लगाओ। इस बात को लेकर सभी ने शिवनाथ व राजेश नाथ पर हमला कर दिया और बीच बचाव में आए भाई बहादुर नाथ, कालूनाथ लड़के सोनू व भतीजे राजेश नाथ पर भी हमला किया और बोले कि गली में दरवाजा लगाया तो जान से खत्म कर देंगे। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया। विवाद के बाबत राजेश नाथ ने बताया, सर ये कोलूखेड़ी में हुआ, वार्ड क्रमांक 1 में, वो हमारा पुराने रास्ते के चक्कर में सर विवाद चल रहा था, हमने उनको रास्ता भी दे दिया, उसके बाद भी सर हमारा गेट था वहाँ पे पुराना, हमने गेट लगा लिया सर, उसके बाद भी हम तो सर हमारा सोए हुए थे घर पे, हमारा अंकल हो रही है, उन्हें अचानक हमला कर दिया सर, धारदार हथियार से, लाठी से, ईंटों से। देवानाथ, पिता केसानाथ और उनके 4 बालक और एक जमाई और उनका भाई छोटा। कुल कितने लोग हैं? कुल कम से कम 5-7 जने थे सर। कितने लोगों को लगी है? सर जो ज्यादा लगी हूँ 4 इंसान को लगी ज्यादा। क्या नाम है इनका? शिवानाथ, बहादुर नाथ और सोनू नाथ और एक मेरे को भी लगी है सर। इधर एक अन्य विवाद में किशनखेड़ी डेरा निवासी गणपत राठौर अपनी छत पर कवेलू ठीक कर रहा था, तभी उसके भाई भादर ने झूठा आरोप लगाकर गाली गलौज की। वह गणपत राठौर की पत्नी पारीबाई और बेटे सूरज सिंह पर भादर की पत्नी कैलाशी, पुत्र दिलखुश व संदीप ने डंडे और तलवार से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। विवाद की बाबत गणपत ने बताया, मकान गिर गया था, पानी गिरने से दीवार गिर गई, तो मैं यह कर रहा था, मतलब अरसादी सूदी ऊपर चढ़ा के,
जिसके बाद में ईंट का रोड़ा ऊपर मिल रहा था कि उड़ेगी नहीं, जिसके लिए वो बहतर बोला कि मेरे मकान के तुमने केलू उठा लिया। मुझे भैया नहीं उठाया था, ये केलू का हाथ भी नहीं लगाया। जिसके बाद में वो माँ बहन की गाली देने लग गया, उसकी औरत भी अंटसंट गाली देने लगी। तो मैं तो ऊपर ही खड़ा था और उसने नीचे से धैर्या चला के, उसका लड़का ने दिलकुश ने धैर्या चलाया और बहादुर ने पर्ची थी हाथ में, तो मेरी औरत को देख के उसने पटक दी उस धैर्या से पर्ची से। तो मेरा लड़का गया, तो मेरा लड़का को उसकी औरत आई, उसने चाकू मार दिया। तो ये इधर छलपा हिट के ये भी गिर गया। तो इसने पहुँचा तो ये पड़े पड़े ने उसको गाल में इसने भी पका लिया। बीमारी का फायदा उठाकर कतिपय लोगों ने अंगूठा लगवाकर किया काका की जमीन पर कब्जा, भतीजा भटक रहा न्याय के लिए। सुखराम पिता खूबचंद भारती के काका लक्ष्मी नारायण की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे सुखराम का लड़का राहुल अस्पताल ले जा रहा था। तभी कैलाश चंद हजारी व कैलाश चंद्र ने राहुल को अस्पताल ले जाने से रोक दिया, जिसके बाद साजिशकर्ताओं ने 100 के कोरे स्टाम्प लगाकर बेहोशी की हालत में काका का अंगूठा लगवाया और जमीन पर कब्जा कर लिया। जब सुखराम थाना मक्सी में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उल्टे आरोपियों की बजाय फरियादी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया। फरियादी सुखराम ने शाजापुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बाद आईजी कार्यालय उज्जैन पहुंचकर भी न्याय के लिए आवेदन दिया, मगर अभी तक सुखराम के पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब फरियादी सुखराम ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अभी तक मेरे को कोई न्याय नहीं मिला और मैंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की दो दो तीन तीन बार, तो उन्होंने पुलिस ने मेरे को थाने पे बुला के ने जबरदस्ती अपना मोबाइल छीन के ने शिकायत वापस करवा लेते हैं वो बार बार प्रताड़ित करके ने, और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर लिया। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन पत्र देने गया था शामला हिल से भोपाल, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख लो, ये मेरे पास टिकट मौजूद है और मैंने एसपी साहब को यह बताया कि साहब मेरे खिलाफ जो मुकदमा ये दर्ज किया गया ये सरासर गलत है, अन्याय हो रहा हमारे साथ, इन संज्ञान लिया जाए, जांच की जाए। मैं मौजूद ही नहीं था 14 तारीख को, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया। अभी क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री जी को आखिरी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो अब हम जैसे गरीब किसान मरने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।